सामनिया परिवार का जमीनी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पालिका प्रशासन भी नहीं कर पा रही है अतिक्रमण मुक्त जमीन। अब पहले तो बताया कि नगर पालिका की एक इंच की जमीन पर हमारा कब्जा नहीं है। अब सामने आ रही है बात कि दादाजी भीखाभाई बाबूजी का जो ये समय था, उस समय ये जो सर्वे नंबर 4993 जो जमीन है इस पर उनका कब्जा है, उस समय का कब्जा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत 4993 कृषि पड़त नगर पालिका की जमीन, जहां नगर पालिका अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर बेबस और लाचार नजर आ रही है। वहीं अतिक्रमण करने वालों का कहना है कि इस जमीन पर हमारे दादाजी यानी भीखा बाबू जी के समय का कब्जा है और विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस जमीन पर जो 4993 कृषि पड़त भूमि है वो नगर पालिका की है और इस पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भीखाभाई का कब्जा है, जबकि भीखाभाई गांधीवादी सिद्धांत के एक अच्छे और लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने अपने लिए कभी भी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया, ये आप सब जानते हैं। जमीन की लालच में वागड़ के गांधी को अपने ही पोते बदनाम करने पर उतारू हैं, ऐसा समाज वाले बातें चला रहे हैं। आज उनका नाम बीच में घसीट कर उनकी प्रतिष्ठा पर दाव लगाई जा रही है, प्रतिष्ठा को दाव लगाया जा रहा है। इधर सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 11 राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 207 के तहत सिविल कोर्ट ऐसे मामलों को नहीं सुन सकती है, क्योंकि ये कृषि पड़त भूमि है। नगर पालिका सागवाड़ा के सहयोग से सवा महीना प्रकरण लंबित किया गया एवं आज भी चिट्ठी पत्रावली का खेल चालू है। अभी भी इस जमीन के लिए नोटिस पर नोटिस नगर पालिका दिए जा रही है, लेकिन नगर पालिका इस जमीन से अतिक्रमण मुक्त अतिक्रमण हटाने के लिए बेबस और लाचार नजर आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या? इधर बामनिया परिवार का पैतृक मकान भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। चारों भाइयों का बंटवारा होने के बावजूद अब इस पैतृक मकान में तीन भाइयों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बामनिया परिवार और उनकी संपत्ति पूरी तरह से बाजार में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अभी और भी कई मामले इससे जुड़े हुए उजागर होने बाकी हैं। फिलहाल बामनिया पेट्रोल पंप के सामने वाली जो जमीन है उसके पास में एक जमीन पर भी एक व्यक्ति दावा ठोक रहे हैं कि ये जमीन उनकी खातेदारी जमीन है और उस पर जबरन सन्नी बामनिया और उनके परिवार द्वारा कब्जा किया गया है और पट्टाशुदा खातेदारी जमीन पर उन्हें नहीं घुसने दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की लाचारी स्पष्ट सामने नजर आती है, जबकि इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर इस मामले की, तात्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, जांच करवाकर न्याय दिलवाने की गुहार लगाई थी और उसी समय मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने जांच करवाने के निर्देश दिए थे। वहीं तत्कालीन जिला कलेक्टर ने नगर पालिका सागवाड़ा को इस संबंध में तुरंत जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज दिन तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सागवाड़ा नगर पालिका भी संदेह के घेरे में नजर आती है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से नगर पालिका प्रशासन 4993 कृषि पड़त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने से कतरा रही है। वहीं इधर पैतृक जमीन को लेकर परिवादी परिवार कार्रवाई की मांग कर चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही संबंधित विभाग ने इस तरफ कोई कदम उठाया। फिलहाल आपको हम बता दें कि कृषि पड़त भूमि या कृषि भूमि पर सिविल कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, ये हमने पहले ही बताया है। इसके लिए रेवेन्यू कोर्ट से दावा किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर अभी एक और एपिसोड आप दर्शकों को देखना बाकी है, जिसमें हम आपको नए एपिसोड के साथ बताएंगे कि परिवार की तरफ से की गई कानूनी कार्रवाई की मांग, चार अलग अलग कार्रवाई में सवा महीने से पुलिस दावा कब्जे करने वालों को पाबंद तक नहीं कर पाई है, अलग अलग केस में अभी तक पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके पीछे आखिर वजह क्या, ये देखना ना भूलें। और आप भी अपनी अमूल्य राय अमूल्य कमेंट्स जरूर दें। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ,
लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।